आयुक्त को चिट्ठी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस चिट्ठी के जरिए अखिलेश पर चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। सैफई में मतदान के बाद बूथ से 100 मीटर के अंदर मीडिया को बाइट देने का आरोप, मतदाताओं को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत प्रभावित किया। बीजेपी ने सीडी और तस्वीरें भी चुनाव आयोग को भेजी हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है समाजवादी पार्टी के लिए, और बाकायदा इसको लेकर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। विशाल, बीजेपी ने शिकायत की है एक चिट्ठी के जरिए चुनाव आयुक्त से? अब देखिए, बिल्कुल, चूंकि चुनाव आयोग से जो है बीजेपी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है और शिकायत की गई है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बूथ के अंदर जो है मीडिया को बाइट दी है, और ऐसे में चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया गया है और मतदाताओं को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत प्रभावित किया गया है। तो ऐसे में बीजेपी ने सीडी और तस्वीरें भी जो है वो चुनाव आयोग को भेजी है, और बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये शिकायत की है और उनके प्रचार पर भी रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने जो शिकायत की है उसको लेकर चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे पूरी रिपोर्ट जो है वो भी मांगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कई तरीके की बातों का जिक्र किया गया है। उधर दूसरी तरफ यूपी बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को